तो yes, okay. so, जुड़ने वाले बच्चे भी यूट्यूब से जुड़ सकते हैं हमारे इंडिया वाले चैनल में स्ट्रीम हो रहा है ठीक है तो मैं आपके कमेंट भी पढ़ूंगा चैट बॉक्स में मुस्कान मेहरा गुड आफ्टरनून ओके सो लेट अस स्टार्ट आज हम फाइनल पार्ट देखेंगे बच्चों ज्योग्राफी का फिफ्थ पार्ट चार पार्ट हमने कंप्लीट किए हुए थे ज्योग्राफी के रिवीजन के सो so, आज क्या कुछ हुआ था सुबह दिव्यांशु सर आए हुए थे नौ बजे डिफेंस अपडेट्स और दस बजे मैं ही आया हुआ था नौ बजे से एसएसबी इंटरव्यू के क्लासेस भी चल रहे हैं और अफकेट एनडीए सी डी के रिस्पेक्टिव क्लासेस और अभी तीन बजे जोग्राफी का फिफ्थ पार्ट हम देखेंगे ठीक है सो आज के इस so, लेक्चर में हम किस चीज के बारे में ओवरव्यू देखेंगे क्या पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत नेचुरल क्लासिफिकेशन देखेंगे ठीक है सॉरी नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि पूरे इंडिया की टोपोग्राफी में किस तरीके से हमें वेजिटेशन अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं हम कई बार सुनते हैं ट्रॉपिकल डिस है इंडिया दरअसल वो ट्रॉपिकल डिस होता क्या है ठीक है और कितना एरिया है उसके बारे में देखेंगे साथ ही साथ हमने ये ऑलरेडी देखे हुए फर्स्ट पार्ट में ही लेकिन हम इन डिटेल अब इसके बारे में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क और आयोसियन आईयूसीएन के बारे में भी हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है लेकिन ज्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया नेशनल पार्कपीयर रिजर्व हो गया ये किस तरीके से बॉयडिवर्सिटी और एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में काम में आते हैं उसके बारे में और बेसिक डिफरेंस हम जानने की कोशिश करेंगे बाद में हम ट्रांसपोर्टेशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे अपना रेलवे इनलैंड वाटरवेज हाईवे ठीक है एयरवेज वगैरह उसके बारे में रोडवेज वगैरह हो गया और अंत में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा डेमोग्राफी और रिसेंट सेंसस अभी हमारे पास आंकड़े दो के ही हैं ठीक है क्योंकि अभी 2021 का सेंसस आया नहीं है तो मैं आपको ओवरऑल रिसेंट सेंसस के बारे में भी आपको एक आइडिया आ जाए कि ओवरऑल पॉपुलेशन वगैरह क्या है डेंसिटी किस स्टेट में ज्यादा है क्योंकि हमारे एनडीए वाले बच्चों के लिए ह्यूमन uh, जोग्राफी में खासकर सेंसस इंपॉर्टेंट है ठीक है सो लेट एस कहते किसे हैं बच्चों देखिए प्लांट कम्युनिटी को रेफर करना जो नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ग्रो होता है और उसे अनडिस्टर्बड छोड़ दिया गया है यानी कि लंबे अरसे तक ह्यूमन का डिस्टरबेंस वहां पर नहीं है आप यू नो डेंस फॉरेस्ट जो खासकर बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर वहां पर इंसान जाते नहीं है छेड़खानी वगैरह वहां पर करते नहीं है जानवरों का बसर वहां पर है अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटीज हमें वहां पर देखने को मिलते हैं तो दरअसल इन्हें वर्जिन वेजिटेशंस भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इंसानी हाथ पर यहाँ पर लगा नहीं है तो दिस इज एक्चुअली द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन ठीक है जो नेचुरली अक्कर होता है प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के हमें देखने को मिलती है तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दुनिया भर में मेजरली हमें ये पांच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं सबसे पहला मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अब इसके कई सारे sub -type, sub होते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस लिटोरल और स्वाम्स सिमिलरली ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आई मिन सभी के बारे में पढ़ेंगे टेंशन मत लो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ तो ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस ट्रॉपिकल थॉर्न हो गया माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया जहां पर सब ट्रॉपिकल हिल्स होते हैं सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट पाइन और सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन और बाद में माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट जहां पर माउंटेन वेट टेम्परेचर टेम्परेट माउंटेन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट और हिमालयन ड्राई टेम्परेट और अल्पाइन वेजिटेशन जहां पर हम कहते हैं फॉरेस्ट सब अल्पाइन मॉइस्ट अल्पाइन और ड्राई अल्पाइन स्क्रब्स हमें देखने को मिलता है तो ओवरऑल ये नक्शा है मैं आपको इंडिया पर ही एम्फोसिस कर दूंगा क्योंकि इंडिया ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्यादातर तो जितना भी ये सबसे मेजर पार्ट तो ये ब्राउन कलर लाइट ब्राउनिश कलर का आपको देखने को मिल रहा है ना ये पूरा एरिया रफली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ही भरा हुआ है दट इज द रीजन वाई वी कॉल इंडिया टू बी अ ट्रॉपिकल यू नो टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मोस्टली यहां पर जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह भी मिलते हैं वो इसी ट्रॉपिकल काइंड के ही होते हैं और नेक्स्ट uh, मोस्ट यहाँ पर ज्यादातर हमें देखने को मिलता है ऑलमोस्ट ऑल इक्वली ही है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट

ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहाँ ज्यादातर यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स का रीजन हम देखते हैं बहुत ही रिच वहाँ पर डाइवर्सिटी होती है ह्यूमिडिटी भी बहुत ही अच्छा है एडिक्वेट भी यहाँ पर मिलते हैं ओशन की प्रॉक्सिमिटी भी बहुत ही क्लोज है बिकॉज ऑफ दैट पर बहुत ही अच्छा खासा लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिलता है तो ये वेस्टर्न घाट्स का रीजन और ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पूरा रीजन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कई बार हम सुनते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच वहां पर है क्योंकि वहां के फॉरेस्ट वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कुछ इस तरीके से है ठीक है और आखिर में होता है अपना माउंटेन फॉरेस्ट

कोई भी सिंगुलरिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही भले ही ट्रॉपिकल डिस मेजोरिटी है लेकिन साथ ही साथ हमें मनग्रोव भी देखने को मिल रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी है यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई भी है और माउंटेनियस रीजन भी हमें देखने को मिलता है तो आंकड़ों की फिर से अगर हम बात करें तो 2021 के हिसाब से फॉरेस्ट सर्वे का कहना है कि 21.71 परसेंट ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया इंडिया का फॉरेस्ट कवर है ठीक है फॉरेस्ट कवर देखिए दोनों में बहुत ही फर्क है बच्चों कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में ट्री कवर किसे कहेंगे हम एग्जैक्टली exactly जितना ग्रीनरी हमें देखने को मिलता है जहां जहां पर पेड़ उगे हुए नाम में ही है ना फॉरेस्ट यानी कि क्या जंगल है बड़ा सा एरिया है ठीक है अनएक्सप्लोर्ड या फिर जहां पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस ज्यादातर नहीं है उसे है कहते हैं जरूरी नहीं है कि पूरे फॉरेस्ट में हमें हरा भरा ही चीज देखने को मिले लेकिन ट्री कवर किसे कहेंगे वहां पर हर हाल में पेड़ पौधे हैं जीवित हैं ठीक है ग्रीनरी वहां पर ग्रीन कवर कितना है तो दोनों में बहुत ही फर्क है फॉरेस्ट कवर में और ट्री कवर में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 की अगर मैं बात करूं तो सेवन लैख थर्टीन थाउजेंड कवर है जिसमें से नाइन फाइव थाउजेंड को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि कितना मिसमैच यहाँ पर है ठीक है तो ट्वेंटी टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारा इसी टोटल फॉरेस्ट कवर में ही ठीक है सो तो इंडिया में किस तरीके के मेजर नेचुरल वेजिटेशन हमें देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डिस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा यही है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखिए हम ट्रॉपिकल एरिया में ही रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ट्रॉपिकल ही हमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पर हो गए लिटोरल एंड स्वाप फॉरेस्ट अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेनली किस रीजन में पाए जाते हैं बच्चों ये वेस्टर्न घाट्स ये देखो पूरा ये स्ट्रिप ही है ना ये पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ही है

हम आगे वाइल्ड लाइफ के बारे में भी कवर करेंगे अभी हम नेचुरल वेजिटेशन देख रहे हैं इसके बाद वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हमें इस एरिया में रेन कवर देखने को मिल रहा है और एनुअल मील टेम्परेचर समवेर अराउंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस है सो एडिक्वेट टेम्परेचर है एडिक्वेट यहाँ पर रेनफॉल भी है सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर ग्रीनरी ट्री लाइफ भी बहुत ही अच्छी है बच्चों कमर्शियली चंद बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीज हमें इस रीजन में देखने को मिलते हैं जैसे कि इबोनी महोगनी रबर रोज वुड वगैरह ठीक है और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादातर इसी रीजन में जहां पर कम रेनफॉल हमें देखने को मिलते हैं वहां पर पाए जाते हैं और ये मिक्सचर होता है बच्चों एवरग्रीन और मोस्ट ट्रीज का यहाँ पर आप देख सकते हैं इबोनी महोगनी ठीक है रोज रबर कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं और रोजवुड तो बहुत ही दुनिया भर में हमारे खासकर जो सदरन इंडिया में जो रोजवुड पाया जाता है वो दुनिया भर में बहुत ही अच्छा सा डिमांड उसका हमें देखने को मिलता है ठीक है बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का भी होता है कई सारे इंपॉर्टेंट से मैन्युफैक्चरिंग चीजों में भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके के वुड इस्तेमाल किए जाते हैं फॉरेस्ट बहुत ही डेंस यहाँ पर होते हैं मैं आपको पेड़ों का साइज भी बताऊंगी देखो 60, 50 मीटर्स के आसपास एक बहुत ही डेंस कैनोपी बहुत ही ऐसा कवर जैसा बनाते हैं ये लोग छतरी आपने देखी होगी ना छत्र छाता तो वो टाइप की कैनोपी यहाँ पर ये बनाते हैं अगेन ऑल टाइप्स हमें शॉर्ट ट्रीज भी देखने को मिलते हैं श्रब्स हर्ब्स पूरे तरीके से हमें देखने को मिलते हैं और टॉल इमरजेंट ट्रीज भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है सिक्सटी मीटर्स और इवन अब के भी यहाँ पर हमें ट्रीज uh, देखने को मिलेंगे तो वॉर्म और वेट ऑल काइंड ऑफ ट्रीज शर्प्स और क्रीपर्स हमें ज्यादातर ज्यादातर इस एरिया में देखने को मिलते हैं। और लीव्स uh, यहाँ पर शेड नहीं होते ठीक है ट्रीज लीव्स शेड नहीं करते क्योंकि एडिक्वेट एडिक्वेट रेनफॉल सनशाइन सब कुछ उन्हें एडिक्वेट देखने को मिल रहा है और ज्यादातर मेन स्पीशीज जो इस फॉरेस्ट में हमें प्लांट्स की देखने को मिलती है वो हल्लॉक व्हाइट सेल्डर ठीक है और जानवरों की बात करें तो एलिफेंट्स लेमोर ठीक है मंकी डियर वन हॉर्न रेनो सोरेस एक्सेट्रा खास नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी असम वगैरह में देखो काजीरंगा नेशनल पार्क है वन हॉर्न रेनो बहुत ही फेमस है वेस्ट बंगाल वगैरह के रीजन में तो कई सारे बर्ड्स बैट्स स्नेल्स वगैरह भी हमें इस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट जो सबसे ज्यादा एरिया इंडिया का पाया हुआ है वो ट्रॉपिकल डिस्टूडियस फॉरेस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है बहुत ही मेजोरिटी ऑफ द एरिया तो ट्रॉपिकल टिपिकल मॉनसून फॉरेस्ट है बच्चों यहाँ पर ट्रीक और साल ये इमेज देख लो ये दोनों ठीक है, टीक और साल के पेड़ यहां पर ज्यादातर हमें तादाद में देखने को मिलते हैं और एवरेज रेनफॉल यहाँ पर सेवेंटी से टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स के बीच होता है एवरग्रीन में तो 200 के या 70 से 200 के ऊपर अगेन देखो इसीलिए तो ना कि टिपिकल हम इसे क्यों कह रहे है? हैं बारिश पड़ेगा, lush देखने को मिलेगी अगर नहीं तो अगेन ट्रीज जो है वो लीव्स को शेड वगैरह करेंगे सीजनली ठीक है तो मॉइस्ट और ड्राई काइंड ऑफ हमें यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये देखो खासकर मैं एक और बेस्ट एग्जाम्पल दूं तो आंध्र वगैरह के रीजन में आप देख सकते हैं नल्ला फॉरेस्ट का रीजन वगैरह हो गया तो महाराष्ट्र या फिर प्रदेश के भी कई सारे ऐसे रीजन जहां पर आपको इस तरीके के ना वेजिटेशन देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसा नहीं कि पूरा थक लश ग्रीनरी हमें देखने को मिल रहा है लेकिन साथ ही साथ ट्री कवर हमें वहां पर देखने को मिलता है ये देखो ये पूरा रीजन महाराष्ट्र भी आ गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड सभी यही पर है उड़ीसा आंध्र तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु ठीक है सो दीज ऑल एंटायर पार्ट्स आर Natural, uh, uh, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी uh, थोड़ा बहुत हमें इसका एरिया देखने को मिलता है, ठीक है? और टीक साल शीशाम अमाल सेमोल कुसुम महुआ और सैंडलवुड भी यहाँ पर बहुत ही फेमस सा उगता है बच्चों ठीक है और ड्रे ये क्या फिर से वही आ है क्या बार बार हम्म नो वेट ये वाला खत्म हुआ एक्चुअली ओके सो आर द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड वी फाइंड बच्चों ये अलग अलग स्टेट के हिसाब से दिया हुआ है ठीक है पीडीएफ में मैं लगा दूंगा आप एक बार देख लो बट ओवरऑल वही है कि कितना इनका अलग अलग एरियाज में रीजन में कितना रेनफॉल होता है अगेन सेवेंटी टू टू हंड्रेड के आसपास ही हमें देखने को मिलता है और अलग अलग एरियाज में भी सॉयल वगैरह की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप ऑफ यू नो वेजिटेशन अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स भी हमें देखने को मिलते हैं तीसरा सबसे हो गया, बच्चों। यहां पर रीजन आप कह सकते हैं ठीक है गुजरात हो गया आपका राजस्थान हो गया उत्तर प्रदेश के चंद रीजन हो गए महाराष्ट्र का भी चंद रीजन पंजाब हरियाणा और ज्यादातर प्लांट्स जो है ना यहाँ पर लीफलेस ही होते हैं ज्यादातर बेस्ट एग्जांपल आप राजस्थान हरियाणा का रीजन सॉरी uh, राजस्थान और गुजरात का ही ज्यादातर रीजन आप यहाँ पर बता सकते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के लिए और सिमिलरली माउंटेन फॉरेस्ट जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाता है ना टेम्परेचर रिड्यूज हो जाता है सो बिकॉज ऑफ दैट भी यहाँ पर करस्पॉन्डिंग चेंजेस हमें टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में देखने को मिलते हैं तो माउंटेनियस रीजन में ज्यादातर हमें माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बच्चों अगेन यहाँ पर नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट अलग है सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट अलग है और वहां पर जिस तरीके से प्रोडक्शन वगैरह होता है या फिर अलग अलग काइंड kind ऑफ of ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं वो भी वेरी करते हैं ठीक है सो ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में थोड़ा बहुत ओवर भी हो गया हम थोड़ा बहुत अपने वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं जस्ट लाइक इंडिया एक रिच कंट्री है फॉर फ्लोरा उसी तरीके से फोना के लिए भी यानी कि ह्यूमनिम सॉरी एनिमल लाइफ के लिए भी इंडिया एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड कंट्री है बच्चों आंकड़ों की यहाँ पर बात करें तो नाइन्टी थाउजेंड एनिमल स्पीशीज इंडिया में अवेलेबल है जिसमें अप्रोक्सीमेटली दो बर्ड के स्पीशीज हैं ठीक है और वर्ल्ड में तेरह परसेंट टोटल पॉपुलेशन हमें जानवरों का इंडिया में ही देखने को मिलेगा ठीक है टू uh, थाउजेंड फिश के स्पीशीज हमें देखने को मिलते हैं जो कि अराउंड ट्वेल्व परसेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक माना जाता है तो इंडिया डाइवर्सिफाइड है रिच है बोथ इन टर्म्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स तो कौन से कौन से एनिमल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चों सबसे बड़ा तो मेजेस्टिक द एलिफेंट इट ठीक है और वेस्ट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है केरला कर्नाटक और असम के रीजन में असम में भी बहुत ही फेमस है कर्नाटक में तो हाइएस्ट नंबर है एलिफेंट्स का वन हॉर्न रेनासोरस भी हमें स्वांप और मार्शी लैंड में देखने को मिलते हैं बहुत असम एंड वेस्ट बंगाल असम में तो इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है असम में इनके कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं थार डेजर्ट और ऑफ कच्छ में देख लो कैमल वाइल्ड एसेस वगैरह हमें ज्यादातर वहां पर देखने को मिले हैं अगेन अगर हम अलग अलग, अलग अलग और भी जानवरों की बात करें तो नील गाय ये वाला नील गाय ये अपने दिल्ली हरियाणा के रीजन में बहुत ही फेमस है बच्चों कई बार आके फसल को खराब करके भी जाते हैं ठीक है और रिसेंटली कप, रिसेंटली कपल ऑफ बैक दरअसल इन्हें वर्मिन करार नहीं होगा क्योंकि लेकिन बाद में फिर से उस स्टेटस से इसे हसा, हटा दिया गया था ठीक है तो नील गाय इंडियन बैसोन यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो फोर हॉर्न एंटेलॉप इसके चार सिंग है एक दो तीन चार बड़ा विचित्र जीवी है ठीक है गजल यह भी छोटा काइंड ऑफ डियर ही है बच्चों और अलग अलग काइंड ऑफ स्पीशीज डियर्स और मंकीज के भी हमें देखने को मिलते हैं लायन एशियाटिक लायंस के लिए सबसे बड़ा घर गुजरात का गिर फॉरेस्ट है बच्चों और टाइगर्स का क्या कहना क्योंकि इंडिया टाइगर के लिए नेचुरल होम है अभी तो तीन हजार से भी ज्यादा पॉपुलेशन हमें टाइगर्स का इंडिया में देखने को मिल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जैसे यू नो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को लाकर हमने इन बिग कैट्स के पॉपुलेशन को बचाया हुआ है एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं बच्चों ये इंडिया में बहुत ही अच्छा इनका कंजर्वेशन का काम चल रहा है आज सुबह ही हमने देखा ना वर्ल्ड डे जो कि अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है तो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में भी इनकी तादाद बहुत ही अच्छी है है बच्चों इन कम्पेयर लयंस इतने फेरोशियस ये नहीं होते थोड़ा बहुत ह्यूमन फ्रेंडली ही हम कह सकते हैं लेकिन शेयर तो शेयर होता है बादशाह किसी भी देश का क्यों ना हो वो बादशाह ही होता है और साथ ही साथ यहाँ पर वाइल्ड ऑक्स भी देखने को मिलेगा शैगी हॉर्ड वाइल्ड ऑक्स या याक याक कहते हैं ना इसको वन टेन से भी ज्यादा बड़ा वाला होता है ये और ब्लू ब्लूशिप भराल और टिबेटियन वर्ल्ड इसे कहा जाता है छोटा वाला है ये सभी लद्दाख के रीजन में जम्मू कश्मीर के चंद रीजन में देखने को मिलेंगे आईबेक्स बियर स्नो रेपर्ड रे रेड पांडा वगैरह भी हमें ह्यूमन रीज हिमालय रीजन्स में देखने को मिलते हैं ये आईबेक्स है और ये रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है बच्चों रेड पांडा ठीक है तो इंडिया में इनकी तादाद भी हमें देखने को मिलती है अगेन मैं आपको बता दूं सभी चीजें बाइहट करने की जरूरत नहीं है बस आपका मेन मकसद ये है बताना कि कितना रिच और डाइवर्सिफाइड है और कौन सा कौन सा जारवन किस किस एरिया का है आर यू देर हाउस द जोश बच्चों सर का बच्चो एनिमल्स फ्लोरा का मीन प्लस राइट यस और साथ ही साथ हमें और भी कई सारे कॉमन एनिमल्स इस रीजन में देखने को मिलते हैं कश्मीरी स्टैग ये वाला हो इसके लिए दरअसल एक इसके प्रोटेक्शन के लिए इसके कंजर्वेशन के लिए भी हमने कश्मीरी स्टैग का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ था बच्चों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ करंट अफेयर्स के चैनल में टॉप टेन एनिमल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स तो वहां पर देखो इसके बारे में मैंने वहां पर भी बताया हुआ है ठीक है तो स्पॉटेड डीर्स वाइल्ड शीप टिबेटियन एंटेलॉप रेर रेड पांडा स्कोर स्नो लेपर्ड बियर शीप गोट्स वगैरह थी हेयर के साथ होते हैं क्योंकि इन्हें वहां पर ठंड बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है थोड़ा बहुत नीचे आ जाओ ओडिशा वगैरह के रीजन में हमें घड़ियाल क्रोकोडाइल टर्टल्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमारे कई सारे रिवर्स लेक्स और कोस्टल एरियाज में इंडिया में हमें ये सभी जानवर आसानी से देखने को मिल जाते हैं कई कलरफुल बर्ड्स भी मिलते हैं बच्चों पीकॉक है डक है पैराकीट टिके तोता जिसे कहते हैं हरे रंग का होता है एंड भी होते हैं और इनके प्रोटेक्शन के लिए 1972 में हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया हुआ था और साथ ही साथ इंडिया में खासकर इन सभी के, के कंजर्वेशन की बात की जाए तो वन नॉट थ्री नेशनल पार्क और फाइव थर्टी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मैं आपको इन दोनों के बीच का फर्क बताता हूँ तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों एक है बायोस्पियर रिजर्व दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी तीसरा है नेशनल पार्क ठीक है पहले नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो भारत सरकार के अंडर ही है स्टेट गवर्नमेंट की मदद से आ, लेकिन बायोस्पियर रिजर्व जो है ना बच्चों वो यूनेस्को के कंजर्वेशन एफर्ट्स के नीचे आता है और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट से प्रोजेक्ट्स हैं बस एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट का बच्चों ठीक है वो वीडियो देखो आप एक बार टॉप टेन एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स मैंने वहां पर बाकी के बारे में भी डिस्क्राइब किया हुआ है ठीक है तभी तो इस तीन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी नेशनल पार्क और पर रिजर्व क्या होता है देखिए वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी का मतलब वहां एक ऐसा एरिया जिसे फ्री फ्रॉम डिस्टरबेंसेस हमने बना के रखा हुआ है यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर रेगुलरली नहीं जाता ज्यादातर वो एरिया पूरा वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए हमने रखा हुआ है ठीक है ह्यूमन एनिमल का यहाँ पर नहीं होता इंसान जाके भी आएगा तो थोड़ा बहुत अपना काम करके वापस चला आएगा ठीक है सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट गवर्नमेंट के जुर्स पर होते हैं जैसा कि तमिलनाडु में मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना तो ज्यादातर स्टेट इनके जुरुस में काम करता है दूसरा हो गया नेशनल पार्क ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरुस में होते हैं भारत सरकार इन्हें मेंटेन करता है ये रिजर्व एरियाज है बच्चों ह्यूमन एक्टिविटी किसी भी हाल में यहाँ पर अलव ही नहीं है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा बहुत मूवमेंट आप देख सकते हो लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे वाइल्ड लाइफ को वहां पर लेकिन नेशनल पार्क्स की क्या बात है कि ये रिजर्व एरियाज हैं, कि इंसान का जाना आना पोचिंग वगैरह की केसेस बहुत ही सीरियसली यहाँ पर होते हैं सो बिकॉज ऑफ दैट पूरा ह्यूमन का यहाँ पर अंदर जाना आना ही बैन करके रखा हुआ है सो बिकॉज ऑफ दैट यू uh, नो you know, कई सारे सीरियस कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स हम देख सकते हैं बेस्ट एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न रेनो को बचाने के लिए आप इसे एक हेवन भी कह सकते हैं लेकिन फिर भी अंदर जाके लोग वो रेनो के हॉर्न के लिए ना उसे अपोज करते हैं मार के फेंकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या है बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही लार्जर एरिया एक पूरा इकोसिस्टम की बात आप कह सकते हैं जहां पर लैंड वाटर सभी बहुत ही मेजोरिटी मान लो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी छोटा सा एरिया थोड़ी ना है बच्चों के सम हंड्रेड किलोमीटर पर आएगा पूरा एक इकोसिस्टम एक है पूरा एक रीजियन है ठीक है तो यूनेस्को जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट मेंटेन करता है और वो बहुत ही ज्यादा योगदान देता है बच्चों के पूरी तरीके से ना स्पेसिफिक एरिया एक स्पेसिफिक रीजन है लैंड वाटर वगैरह सब कुछ वहां पर है सो अंडर द लॉ दैट प्रोटेक्टेड क्योंकि उससे क्योंकि उसे बचाना बहुत ही जरूरी है हमारे एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए तो उसे बायोस्फीयर रिजर्व्स कहा जाता है सो दीज इज सो आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व अब एक एक करके हम इनके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखते हैं टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं कोस्टल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं जमीन पर भी और ओशन के वगैरह के रीजन में भी वगैरह भी हो सकते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड ये इंटरनेशनली होते हैं बच्चों खासकर यूनेस्को मैंड एंड बायोस्पियर प्रोग्राम के तहत तो यूनेस्को ही इन्हें रिकॉग्नाइज करता है बहुत ही रिच बायोलॉजिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी से ये भरे हुए होते हैं बेस्ट एग्जाम्पल आप रामसार कन्वेंशन रामसार साइट को ही कह सकते हैं 1971 फरवरी वन फेब्रवरी को ये ईरान के सिटी रामसार में साइन किया गया था बच्चों तो इसीलिए इस कन्वेंशन को हमने नाम दिया वेटलैंड्स क्या है मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया हुआ था कि बहुत ही एक्सोटिक लाइफ हमें वहां पर देखने को मिलता है ना ही पूरी तरीके से वाटर ना ही पूरी तरीके से लैंड ये देखो कई सारे माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए ये ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह भी काम करते हैं फिशिंग हाउसेस की तरह भी ये काम करते हैं आसपास टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं ठीक है आसपास फिशिंग कम्युनिटी भी जीता है ना तो कई बहुत जबरदस्त सा एक्सोटिक लाइफ फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सो so, इस तरीके की चीजों को हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं और सिमिलरली रामसर कन्वेंशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है और लगभग ढाई हजार के आसपास पास होगा रामसर वेटलैंड किए जा चुके हुए हैं ठीक है सो so, नेशनल पार्क की बात करें तो देखो ओवरऑल ये बस मैंने लगाया हुआ है देखो बाय करने की चीज नहीं है सो so, कंचन गंगा हो गया नमदपा नेशनल पार्क खाजी रंगा कैबुल्लाम जाओ नेशनल पार्क कई बार पूछा गया है एनडीए और सीडीएस वालों के लिए ठीक है और uh, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया सरिस्का नेशनल पार्क हो गया और अनबोर लयन कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों ये वाला और कौन सा कौन सा है सतपुरा पेंच पेंच भी इम्पोर्ट पेंच कान्हा इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व इंद्रावती भी पूछा गया है ठीक है और, और कौन सा है भाई बन्नरघट्टा नगर होले बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी टाइगर नेशनल पार्क है बच्चों तो वहां पर टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी काम कर रहे हैं साइलेंट वैली के बारे में भी पूछा गया है केरला के रीजन में हम देख सकते हैं ठीक है तो मैंने पीडीएफ में लगाया हुआ है बच्चों आप एक बार देख लो ठीक है कि किस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है और मोस्टली वहां पर ह्यूमन सॉरी वहां पर कौन सा एनिमल या प्लांट लाइफ का कंजर्वेशन हो रहा है खासकर कौन सा वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन वहां पर हो रहा है ठीक है क्योंकि नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जानवर का प्रोटेक्शन होगा हमारे आसपास के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने पीडीएफ में लगाया हुआ आप एक बार देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों बंदीपुर हो गया बन्दर हो गया भितरकनिका का उड़ीसा में ठीक है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के कंजर्वेशन के लिए न्यूज चैनल में भी होता है ना कई बार सो ये सभी देखो गिर नेशनल पार्क पार्क हो गया गुजरात एशियाटिक लयस ठीक है और सिमिलरली सिमिलरलीर आर मेनी सच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क हो गया खाजीरंगा हो गया काबुल नाम जो मनीपुर हाँ ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है इन द वर्ल्ड और कालादेव नेशनल पार्क हो गया राजस्थान का वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है ये तो एक बार क्लियरली आप देख लो ठीक है दे विल एक्चुअली हेल्प यू सिमिलरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी मैंने यहाँ पर नाम लोकेशन और मेजर जो कुछ भी स्पीशीज हैं उनके बारे में बस आइडिया कर लो ठीक है कि कौन से कौन से रीजन में कौन सा कौन सा कंजर्वेशन इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है और सिमिलरली बायोस्फीयर रिजर्व भी आप देख सकते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अभी हमने देखा तो देखो मोर देन वन स्टेट ये फैला हुआ है जब हम गिर नेशनल पार्क कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं छोटा सा एरिया है गुजरात का ठीक है या जब हम यू नो मधुमलाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह रहे हैं तो छोटा सा एरिया है वो एक्चुअली तमिलनाडु का तो सिमिलरली लेकिन यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व जब हम कहेंगे तो पूरे स्टेट या स्टेट के आसपास या दो तीन स्टेट्स को मिलाकर बहुत ही एक इकोसिस्टम वाइब्रेंट सा जिसे बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है सो नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार नौकरेक्ट सुंदरबान मानस ये सभी इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों एक बार जरूर देख लो ठीक है सो विद विल बी अप फ्लोरा एज एज वेल अब आइए थोड़ा बहुत इंसान के पास आते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की बात करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंसान जी रहा है तो उसकी जरूरत है कि एक जगह से दूसरी जगह वो कभी कभार जरूरत पड़ने पर मूव होता है और साथ ही साथ उसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी सर्विस या फैसिलिटी है जिसके तहत गुड्स और पर्सन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है कई बार हम एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट लाइफ को भी हम जरूरत पड़े कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो मेजरली कितने टाइप ऑफ हमें देखने को मिलते हैं बच्चों एयरवेज हो 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 गया हो गया रोडवेज वाटरवेज गया और रेलवेज हो गया यही चार मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इंटर रीजनल भी हो सकते हैं इंट्रा रीजनल भी हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी हो सकते हैं तो इसमें अलग अलग मोड ऑफ क्लासिफिकेशन हमें किस टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कैसे कब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कितना कॉस्ट वगैरह हो रहा है उसके बेसिस पर भी हमें <laughs>

ज uh, ही है थोड़ा बहुत बड़ा टू फीट सिक्स इंच मीटर गेज ऑफकोर्स एक मीटर का थ्री फीट थ्री थ्री बाई एट इंचस और स्टैंडर्ड गेज फोर फीट एट एंड हाफ इंच का होता है और ब्रॉड गेज फाइव फीट सिक्स इंच का हमें देखने को मिलता है यानी कि पटरी ठीक है अब पटरी जितनी बड़ी उतना बड़ा ट्रेन तो सिमिलरली रेलवेज की बात करें तो चंद इंपॉर्टेंट से हाईएस्ट डेंसिटीज जो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रीजन के वो कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू रेलवेज ठीक है रेलवे इसीलिए लाइफ लाइन माने जाते हैं तो कई सारे अंडरग्राउंड रेलवेज का काम भी चल रहा है दुनिया भर में और एक बेस्ट एग्जाम्पल रेलवे के बताएं तो यहाँ पर ना एक यूरो टनल है इंग्लैंड यूके से फ्रांस को वो कनेक्ट करता है लंडन से होते हुए पेरिस को वो कनेक्ट करता है ठीक है सो अंडरग्राउंड रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर इन दोनों एडवांस कंट्रीज में तो ये कनेक्ट करता है लंडन और पेरिस को ये इसकी खास बात है बच्चों इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रेलवे नेटवर्क पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट है और पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है और ये बोथ एज एज वेल पैसेंजर्स अपने गुड्स वगैरह के बारे में और पैसेंजर्स को भी ये मूव करने में बहुत ही मदद में आता है गांधी जी ने कहा हुआ था कि इंडियन रेलवे अलग अलग डाइवर्स कल्चर के पीपल को टुगेदर लाते हैं और इंडियन स्ट्रगल में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा उन्होंने किया हुआ है क्योंकि उस वक्त तो रोडवेज इतना अच्छा डेवलप नहीं था और ब्रिटिश वालों ने इंट्रोड्यूस किया ही था रेलवेज को कि इंडिया को लूट सके ठीक है लेकिन बाद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उसे उन्हीं के ऊपर पैंतरा इस्तेमाल किया इन्हीं रेलवे का मदद इस्तेमाल करते थे वो लोगों को वगैरह को मूव करने के लिए तो 1853 में पहला लाइन कंस्ट्रक्ट किया गया था बच्चों बॉम्बे से थाना जो कि 34 फोर किलोमीटर लंबा था ठीक है और लार्जेस्ट इंडियन रेलवे वो वन ऑफ द फाइनेस्ट भी मानी जाती है बच्चों पूरे दुनिया भर में और लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है सिक्सटी सिक्स थाउजेंड अप्रोक्सीमेटलीस एज ऑफ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टी तो और भी ज्यादा नंबर अब बढ़ चुका हुआ है ठीक है सो बहुत ही सक्सेसफुली रेलवेज भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा प्रेशर हमें यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड रेलवे सिस्टम पर देखने को मिलता है क्योंकि कई सारे लोग इसे डेली कम्यूटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट जो कि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन हमें ना हो तो हमने पूरे अठारह जोन्स में बांटा हुआ है बच्चों पूरे देश को अलग अलग रेलवे जोन ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे वेस्टर्न रेलवे नॉर्थर्न रेलवे सदर्न रेलवे तो ये रेलवे जोन और उसका रेस्पेक्टिव हेडक्वार्टर है ठीक है तो ये भी एक बार जरूर देख लो तो पूरे अट्ठारह जोन है बच्चों इंडिया में वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही चीपर है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर जितना भी आप रोड देख लो रेल देख लो एयरवे देख लो सबसे चीपेस्ट है ठीक है तो सी रूट्स यहां पर हमें ज्यादातर इनलैंड वाटरवेज के लिए भी देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल वाटर्स में भी हमें मूवमेंट देखने को मिलता है और ज्यादातर सी रूट्स की मदद जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही यूज हम करते हैं ठीक है सो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जाना हो या एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जो कि फार अवे वहां पर जाना हो आप देख सकते हो कि किसी रूट का ही मदद हम ले सकते हैं ज्यादातर कार्गो ट्रांसपोर्ट ही यहाँ पर किया जाता है ठीक है सो so, कार्गो ही यहाँ पर ज्यादातर देखने को हमें मिलता है सो so, कई सारे ओशनिक रूट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के पास तो लगभग साढ़े सात हजार से भी ज्यादा किलोमीटर का वेस्ट कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलेगा तो लगभग 12 मेजर पोर्ट्स और 185 माइनर पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है बच्चों सो अप्रोक्सिमेटली नाइनटी फाइव परसेंट जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम है और 70 परसेंट बाई वैल्यू जो है वो ओशन रूट से ही मूव होता है सेवेंटी परसेंट वैल्यू आप देख सकते हो ठीक है सो so, हर मेजर पोर्ट के साथ दुनिया का जितना भी मेजर बड़े बड़े पोर्ट्स हैं उन सभी के साथ हमारी कनेक्टिविटी है बच्चों ये देख सकते हो आप ठीक है सो so, दुनिया के हर कोने में भी हम पहुंच सकते हैं थ्रू दिस ओशन सिस्टम इनलैंड अगर मैं बात करूं तो एक जमाने में रेलवे के आने के पहले दरअसल यही मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था लोगों का आप पुराने सिनेमा देखो ना ब्लैक एंड व्हाइट में आपको ज्यादातर ये बोर्ड्स ही दिखेंगे वहां पर क्योंकि इस्तेमाल करते थे लोग ज्यादातर ठीक है तो बाद में जैसा ही रोड और रेलवे आया तो टफ कॉम्पिटिशन इन्हें मिला और रास्ता से रिवर वाटर को इरीगेशन पर्पसेज के लिए भी मूव करने लग गए तो ज्यादातर यहाँ पर इनलैंड वाटर नेविगेशन के लिए थोड़ा बहुत टफ हमें देखने को मिला ठीक है ये सभी मेजर पोर्ट्स हैं बच्चों जो इनलैंड और इंटरनेशनली दोनों के लिए सर्व करते हैं कांडला अपना गुजरात में हो गया मुंबई हो गया मरमोगांव ठीक है न्यू मंगलुरु कोची ट्यूटिकोरन एनोर चेन्नई गन्नावरम विशाखापट्टनम ये भी दरअसल आंध्र का रीजन ही है पारादीप हाल्दिया और कलकत्ता ये सभी मेजर इंपॉर्टेंट से पोर्ट्स हैं तो इनलैंड नेविगेशन की अगर मैं बात करूं जहां पर रिवर्स वगैरह की भी इस्तेमाल हम करते हैं तो 14,500 ऑफ नेविगेबल हमें देखने को मिलता है और सिर्फ वन से टू परसेंट के आसपास ही कंट्री के बच्चों क्योंकि मेजोरिटी या तो हम रेल से भेजते हैं या फिर रोड से मेजोरिटी रेल से ही भेजते हैं ठीक है तो कई सारे रिवर्स बैक वाटर्स क्रीक वगैरह जो लगभग 5,685 किलोमीटर मेजर रिवर्स जो फैले हुए हैं ना तो वहां पर हम फ्लीट या पर फ्लैट बोट वेजल्स की मदद से पर आप, आप देख सकते हैं इसे फ्लैट वेजल्स तो इनकी मदद से हम उस तो की को भी कर सकते हैं की बात करें, तो वन है बच्चों। लेकिन खास बात यह है के इन एक्सेबल एरियाज में भी यह जा सकता है मान लो किसी हाई अल्टीट्यूड एरिया पर जाने कौन सी ट्रेन जाएगी कौन सा रोड जाएगा ठीक है तो ऐसी जगह जहां पर लैंड स्लाइडी हेवी स्नोफॉल्स वगैरह होते हैं तो एयर वेस ही एयर ऐसा Uh, you know, तरीका है बच्चों प्रॉब्लम uh, क्या है इसके बड़े बड़े हैंगर्स हैंगर्स यानी के प्लेस वेयर प्लेन इज एक्चुअली पार्क उसे हैंगर कहा जाता है तो उनके लैंडिंग फ्यूलिंग वगैरह का प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा होता है और दूसरी चीज बहुत ही एक्सपेंसिव भी है बच्चों हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में अच्छा एडवांस्ड डेवलप्ड एयर ट्रांसपोर्ट और वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक भी अच्छा है यानी कि लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते भी हैं लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में ज्यादातर अभी एयरवेज को हम इस्तेमाल नहीं करते जो अफोर्ड करता है वो जाता है लेकिन ज्यादातर अभी भी हम ट्रेन को और रोडवेज को ही प्रिफर करते हैं और इस एयर ट्रांसपोर्ट की खासियत यह है बच्चों कि जब से एयरवेज आया हुआ है दुनिया का कोई भी कोना थर्टी फाइव आर्ट से ज्यादा नहीं लेगा रीच करने में यानी कि एक्सट्रीम ईस्ट से एक्सट्रीम वेस्ट तक भी आप जा सकते हो विद इन थर्टी फाइव आवर्स और ये पॉसिबल हुआ है थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट ओनली ठीक है तो ये बहुत ही अच्छी बात है बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत इंडिया में जी टाटा ने की हुई थी नाइनटीन में लेकिन वो बस एयरमेल ऑपरेशंस के लिए ही था बस दस किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करते थे इलाहाबाद और नैनी के बीच लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ही ज्यादातर डेवलपमेंट हमें एयर ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलेगा ठीक है सो करेंटली वन एयरपोर्ट्स फाइव है बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट बाई हार्ट करने की जरूरत नहीं है सभी को भी पता है बस देख लो काफी है पीडीएफ में मैंने लगा के दिया हुआ है पाइपलाइन हैज आल्सो बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू ट्रांसपोर्ट नॉट ह्यूमन ठीक है में कौन से को के तो पेट्रोलियम नेचुरल गैस वगैरह अन इंटरप्टेड फ्लो इनका जाए ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई जगह कुकिंग गैस और एलपीजी के सप्लाई के लिए भी मेनी मेजर पार्ट स्वीडन फिनलैंड वगैरह आप देख लो घर में डायरेक्टली कनेक्शन थ्रू पाइपलाइन ही दिया जाता है ठीक है गैस वगैरह का तो यूएस जैसे कंट्री में भी लिक्विफाइड कोल को भेजने के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है इसका सिक्योरिटी बीच में कहीं पर भी लीकेज आए खत्म गई बात और प्रॉब्लमेटिक ये भी है कि किस तरीके से आप इसे सिक्योर करोगे अगर कोई आके चुराने की कोशिश करे कहीं ना कहीं डैमेज करके चला जाएगा तो ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक रीजन यही है कि अंडर्वार्ट, या फिर अंडरग्राउंड के इस्तेमाल किया जाता है लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली अफेयर है बच्चों, ठीक है तो मेजरली तो वेस्टर्न कंट्रीज में आपको कुछ इस तरीके से आउटर साइड ही देखने को मिलेंगे सो दैट हैज बीन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हरि उदेर सर यस हम्म सो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रोड ठीक है पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया का है बच्चों पूरा एरिया 54.8 लाख किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलेगा ठीक है और पहली बार मेजर मुहिम रोड कंस्ट्रक्शन की 1961 में की गई थी 20 ईयर रोड प्लान हमने लाया हुआ था बच्चों ठीक है आ, आ, लेकिन सबसे मेजर जो या फिर मेजर स्कीम आप कह सकते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने लाई हुई थी इंडिया की जब सरकार आई हुई थी ना ये वाला अपना कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिकॉज ऑफ दैट ओनली आज देश के चप्पे चप्पे में रोड पहुंचा हुआ है ठीक है छोटे से छोटे रूरल एरिया में भी हमें रोड देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सो so, रूरल और रिमोट कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया के लिए और खासकर उनके कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह के लिए अलग अलग यहां पर हमने बॉडीज भी बनाए हुए हैं नेशनल हाईवे के मेंटेन के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेट हाईवे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आर का डिपार्टमेंट होता है वही लोग देखते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट और रूरल रोड्स का भी वहां पर काम पूरा वही लोग देखते हैं ठीक है सो अबाउट 85 परसेंट पैसेंजर्स और 70 परसेंट फ्लाइट ट्रैफिक को इंडिया में रेगुलरली हम बाय रोड ही देखने को मिलता है और उनमें से सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे ही हैं बच्चों ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें मेंटेन करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माने जाते हैं डिफेंसमैन के मूवमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक एरिया में मेटीरियल मूव करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं लेकिन सिर्फ टू परसेंट टोटल रोड लेंथ ही है नेशनल हाईवेस का सिर्फ उस टू परसेंट टोटल लेंथ में ही फोर्टी परसेंट रोड ट्रैफिक को कैरी करते हैं एगेलीटेरियन जिंदगी जीना इसे ही कहते हैं बच्चों टेकलेस गिव मोर सिर्फ दो परसेंट है लेकिन फोर्टी परसेंट रोड ट्रैफिक को ये लोग क्लियर कर रहे हैं फोर्टी परसेंट रोड ट्रैफिक के नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं ठीक है सो नाइनटीन नाइनटी फाइव में हमने एक स्पेशल अथॉरिटी बनाई हुई थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो उनका डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑपरेशन वगैरह टोल प्लाजा वगैरह भी यही लोग मेंटेन करते हैं और सिमिलरली गोल्डन क्वारिलेटरल की भी जब हम बात करते हैं तो पूरे देश भर के मेजर चार सिटीज को कोलकाता न्यू दिल्ली महाराष्ट्र और चेन्नई इनफैक्ट बीच में से कई सारे इंपॉर्टेंट से सिटीज टच होते हैं बच्चों तो पूरे देश को त्रुदिस गोल्ड एन क्वारल हमने कवर किया हुआ है स्टेट हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर सरकार स्टेट गवर्नमेंट ही से बनवाती है रोड्स एंड बिल्डिंग का डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री भी होती है रोड मिनिस्ट्री तो उसी के नीचे काम करते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं मेंटेन करता है बच्चों स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को ये जोड़ता है ठीक है मान लो अभी मुंबई है मुंबई और नागपुर के बीच जो है वो स्टेट हाईवे होगा ठीक है और इम्पोर्टेंट टाउन्स को भी ये यू नो ये टच करता है बच्चों और टोटल रोड लेंथ कंट्री में बोले स्टेट हाईवे का तो ये फोर परसेंट ही है ठीक है और फोर्टीन परसेंट टोटल रोड नहीं डिस्ट्रिक्ट हेड हाँ डिस्ट्रिक्टवार के लिंक की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये अप्रॉक्सिमेटली अराउंड फोर्टीन परसेंट रोड लेंथ कवर करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन को या फिर लेंथ जिसमें ज्यादातर हमें रोड्स की देखने को मिलती है वो रूरल रोड्स हैं बच्चों ठीक है अपना खेड़ा देसी देहात की जगह ठीक है तो रूरल एरिया में बहुत ही वाइटल रोड कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए लगभग एटी परसेंट जो टोटल रोड लेंथ है इंडिया में वो रूरल रोड्स का ही हमने देखने को मिलता है और रीजनल वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पर रूरल रोड की डेंसिटी भी चेंज होती है ठीक है और उनका टेरेन वहां पर किस तरीके से बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो रूरल रोड्स का यूज हमें चेंज होते हुए देखने को मिलता है बाकी के और भी डिफरेंट काइंड ऑफ रोड कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी और वो हम कई बार सुनते हैं इवन ले लद्दाख जैसे एरियाज में जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरियाज में भी जहाँ पर टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट है वहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं बच्चों हमारे डिफेंस फोर्सेस के प्रिपेडनेस के लिए स्ट्रेटेजिक प्रिपेडनेस के लिए और उनके इजी मूवमेंट के लिए वहां पर रोड्स हमें देखने को मिलते हैं अभी भी जब आप अपनी बुलेट वगैरह लेके लद्दाख वगैरह जाते हो तो पूरे रोड जो आप देखेंगे ना बच्चों वो दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने ही

इंडिया में कितने इनहेबिटेंट्स थे उसे हम पॉपुलेशन चेंज कहेंगे और कितना परसेंटेज बढ़ा है या घटा है उसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हम कहेंगे तो पॉपुलेशन की ग्रोथ या चेंज जो वो पॉजिटिव नेगेटिव well भी हो सकता है कई बार लोग बढ़ जाते हैं कई बार लोग खत्म भी होते कम भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इंडिकेटर है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सोशल अपलिफ्टमेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड किसी रीजन के बारे में और उसके पॉपुलेशन से डायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है ठीक है तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जब हम कब कहेंगे नेचुरल ग्रोथ कब पता चलेगी नंबर ऑफ बर्थ माइनस नंबर ऑफ डेथ ठीक है एक्चुअल ग्रोथ कितनी है पॉपुलेशन की बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन ठीक है जिस लाइक like हम यू नो जीडीपी एनडीपी पढ़ते ना वही काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है सिर्फ बर्थ्स और डेथ्स को कंसिडर करेंगे तो नेचुरल ग्रोथ हम बताएंगे लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी है पॉपुलेशन की माइग्रेंट्स कितने आ रहे हैं कितने माइग्रेट होके जा रहे हैं पैदा हो गए मर गए कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं अल्टीमेटली जो नंबर मिलता है दट इज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और माइग्रेशन भी कई बार दो बार हम कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड करते हैं बच्चों एक हो गया इमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब क्या माइग्रेंट्स मोड इन टू वन यू प्लेस जब आप यहां से जाते हो वीजा लेकर अमेरिका आप जा रहे हो तो अमेरिका में इमिग्रेशन सेंटर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर एंटर हो रहे हो आप वही यहाँ पर इमिग्रेशन सेंटर आपको देखने को मिलेगा यानी कि माइग्रेंट्स हो मूव आउट ऑफ अ प्लेस यहां से आप जा रहे हो ठीक है सो देर इज अ डिफरेंस ई और आई प्रोनाउंसिएशन मोस्टली सेम ही है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ठीक है लेकिन फर्क यह है कि एक अंदर जा रहा है तो दूसरा यहाँ पर अंदर आ रहा है अब दो ही फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों इमिग्रेशन के पहला तो पुश फैक्टर हो सकता है कि मजबूरी से यहाँ पर ना जा रहे हैं पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया अनएम्प्लॉयमेंट हो गया क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर ने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्वालिटी ऑफ द लाइफ एपिडेमिकला हुआ है पुल फैक्टर्स यानी कि खींच रहा है आपको कोई उस जगह पर मजबूरी से जा रहे हो पुल खुशी से जा रहे हो बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सिक्योरिटी लाइफ है प्लेजेंट क्लाइमेट है पीस स्टेबिलिटी है लिविंग कंडीशन वहां पर अच्छे हैं बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है बेटर एजुकेशन है सो बिकॉज ऑफ दैट पुल फैक्टर्स भी ठीक है, है तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है सो so, अभी डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो फिफ्टीन सेंसस का ये बच्चों 2011 का सो so, लगभग 121 ट्वेंटी के आसपास अभी तो 135 या 140 के आसपास हम होंगे 2021 का आया नहीं है ठीक है तो पीडीएफ में मैंने लगाया हुआ है आप देख लो ओवरऑल पर कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में इन कम्पेयर यानी कि 2001 के और क्या -क्या है। तो इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो 940 है बच्चों कि हर थाउजेंड मेन के लिए सिर्फ नाइन फोर्टी ही है ठीक है और लिटरेसी एवरेज हमारी सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो फोर परसेंट है सो इनकी मदद से हम स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं और डेंसिटी भी देखो यानी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग हैं थ्री एटी टू अच्छा खासा डेंसली ही पॉपुलेटेड ही इंडिया है बच्चों सो so, यूपी आप देख सकते हो और यू नो एट ट्वेंटी डेंसिटी है सेक्स रेशियो नाइन टिक्सटी सेवन पॉइंट सिक्स एट सेक्स रेशियो नेशनल से भी कम है और लिटरेसी भी नेशनल से कम है डेंसिटी ज्यादा है ठीक है सो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो कौन सा कौन सा स्टेट क्या क्या है मैं पीडीएफ में मैंने आपको लगाया हुआ है बच्चों एक बार ध्यान से देख लो आपके पूरे स्टेट्स और आपके पूरे यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ठीक है और अभी जो कि हमारे पास 2011 का सेंसस ही बचा हुआ है तो उसी को हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल जो मेजर बेंच मार्क्स बच्चों मोस्ट उत्तर प्रदेश ही हमें देखने को मिलता है बच्चों ठीक है और एट डेंसिटी दो की उससे पहले डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने थे सिक्स थे और फॉलोड बाय महाराष्ट्र है मोस्ट पॉपुलस है बच्चों दरअसल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा और नेक्स्ट कम्स बिहार एंड देन कम्स वेस्ट बंगाल एंड देन कम्स आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश फिफ्थ पोजीशन पर है और लीस्ट पॉपुलेस की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ है बच्चों उसके बाद सिक्किम अंडमान निकोबार दद्रा नागर हवेली दमन एंड और अंत में सॉरी फॉर दैट लक्षद्वीप हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन की डेंसिटी ठीक है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर इलेवन का दिल्ली. दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है. World है है. में भी बच्चों. ठीक चंडीगढ़ पुदुचेरी दमन इंदिद्वीप बिहार वेस्ट बंगाल और केरला so नेशनल के बहुत ही ऊपर है आप देख सकते हो सभी हजारों की तादाद में हमें देखने को मिलता है सो लोएस्ट पॉपुलेशन की डेंसिटी जम्मू एंड कश्मीर है बच्चों वन हिमाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड ये सभी छोटे से स्टेट्स हैं. तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहां पर कम ही है इंडिया की लिटरेसी की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल फोर्टी सेवन परसेंट है बच्चों मेल की बात करूं मेल पॉपुलेशन की तो हमारा लिटरेसी रेट है मेल्स का और फीमेल का है है ठीक है? और केरला हाईएस्ट लिटरेट स्टेट आप कह सकते हो नेशनल एवरेज से भी बहुत ही ज़्यादा 94% है जहां पर मेल 96% है और फीमेल रफली नाइनटी टू परसेंट लिटरेसी का मतलब क्या बच्चों एनी वन कैन रीड राइट और अंडरस्टैंड इन एनी वन ऑफ द वर्नैकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लिटरेट बस एजुकेटेड नहीं बोल रहे हम लिटरेट सात साल की उम्र के ऊपर है मान लो आप आंध्र में रहते हो सात साल की उम्र के ऊपर हो तेलुगु बात कर सकते हो या तेलुगु समझ सकते हो या तेलुगु लिख सकते हो यू आर लिटरेट दैट्स इट ठीक है तो हर कंट्री का अपना सरकार का रोल है तो हमारी सरकार ने डेफिनेशन रखा हुआ है तो आप देख सकते हो केरला लक्षद्वीप मिजोरम गोवा और त्रिपुरा ये लिटरेट स्टेट्स हैं लोएस्ट लिटरेसी हमें बिहार में देखने को मिलती है सिक्सटी बहुत ही कम है मेल में भी सेवेंटी वन परसेंट जो कि एवरेज नेशनल से भी कम है और फीमेल में तो फिफ्टी वन परसेंट के आसपास है ठीक है सेक्स रेशियो मैंने कहा कि फॉर एवरी थाउजेंड मेल्स इंडिया में नाइन फोर्टी थ्री फीमेल्स हैं बच्चों चाइल्ड सेक्स रेशियो बच्चों की बात करें तो नाइन नाइनटीन है फॉर एवरी थाउजेंड मेल बॉयज ठीक है तो केरला में हाईएस्ट है बच्चों सेक्स रेशो थार है चाइल्ड सेक्स यहाँ पर भी थोड़ा बहुत कम है 964 है ठीक है पुदुचेरी इज डूइंग आल्सो गुड टेन थर्टी सेवन और लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ पर दमन एंड दीव सिक्स एटीन नाइन नॉट फोर है बच्चों और हरियाणा हरियाणा भी लोएस्ट है एट सेवेंटी नाइन एट थर्टी फोर है ठीक है बहुत ही कम है तादाद यहाँ पर सेक्स रेशियो की तो हरियाणा अंडमान एंड निकोबार दिल्ली चंडीगढ़ दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड आर ऑन लिस्ट जहां पर लोएस्ट सेक्स रेशियो हमें देखने को मिलता है तो ये थी चंद बातें बच्चों आपको इस सेशन में जाननी थी तो नेचुरल विजिटेशन के बारे में पढ़ा बॉयस्पियर रिजर्व के बारे में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच हमने डिफरेंस देखा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स का भी ओवरव्यू हमने देखा हुआ हुआ और अंत में डेमोग्राफी और रिसेंट सेंसस का ओवर भी हमने देखा हुआ है सो दैट वॉज द लास्ट लेक्चर फॉर योर जोग्राफी बच्चों फिर से मैं आपको बता दूं कि एग्जाम बहुत ही करीब है इस टाइम में कोई भी स्टैंडर्ड सी नई किताब पढ़ने के लिए मत जाना बस जो पढ़ाया गया बार बार उसे रिवाइज करो जो लेक्चर में अवेलेबल उसे भी बार बार पढ़ो मैंने बहुत ही ज्यादा एमसीक्यू इन सभी पांच पीडियो में लगाए हुए हैं आप उन्हें भी अगर सीरियसली करोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल बी ओवरऑल एट अ वेरी गुड पोजिशन ठीक है सो दैट विल बी इट बच्चों कुछ है सो so, नो no. सोनू तो अपने हाथ उठा था ना हेलो सर हाँ सोनू बोलो सर इंडिया में अभी तक ऐसा कोई रेलवे है या नहीं जो कि दूसरे कंट्री को कनेक्ट करता हो लाइक इंडिया टू तो पाकिस्तान और चाइना है ना अपना क्या बोलते हो इंडिया पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला तो है जाते रहते हैं रेगुलरली हमारे सर्विसेज अवेलेबल है, है बांग्लादेश के लिए रेगुलर सर्विसेज अवेलेबल है, है यस देर सर okay. जो आंध्र प्रदेश का है जरूरी है क्या सर उसे तेलुगु लिखना आना नहीं मैंने एक एग्जाम्पल दिया है देखो वही तो मैंने कहा ना कि सात साल की उम्र के ऊपर है कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्नैकुलर लैंग्वेज यानी कि आपकी मातृभाषा कुछ भी हो सकती है तेलुगु स्टेट्स में कोई महाराष्ट्रियन आके नहीं जी सकता क्या तेलंगाना में जाओ यू विल फाइंड गुड पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र लिविंग दर हैदराबाद में यू विल फाइंड गुड नंबर ऑफ सिख पीपल लिविंग देर ठीक है तो समझना किसी एक लैंग्वेज में दैट एक्चुअली इज द बेसिस कई क्रिटिक्स ने कहा है कि ये बहुत ही मुंडेन पुराना वाला है कुछ रिन्यूव करो अभी कुछ किया नहीं है सरकार ने ठीक है ओके बच्चों सो मीट यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन स्टे हेल्थी सर कल से कौन सा क्लास होगा कल तो सैटरडे संडे है मंडे से से मंडे आई डोंट थिंक यू हैव अ क्लास अब इसके बाद शायद डायरेक्टली आपके मैराथन से स्टार्ट होंगे